आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन हो। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन, सेक्शन 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एग्जांपल ए, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस द डायगोनल एंड वन साइड बीइंग गिवन। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विद इट्स डायगोनल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हिंदी प्रश्न, विभाग 5वां, चतुर्भुज रचना, उदाहरण 8वां, एक विकर्ण और एक भुजा दी जा रही, उससे एक समचतुर्भुज बनाना है। प्रश्न, विकर्ण 7 सेंटीमीटर और भुजा 4 सेंटीमीटर, इस नाप का एक समचतुर्भुज बनाइए। मराठी प्रश्न, कर्ण 7 सेंटीमीटर व बाजू 4 सेंटीमीटर या मापाचा समभुज चौकोन काढा। इस प्रकार से आज का क्वेश्चन हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में विकर्ण 7 सेंटीमीटर दिया है, उसे हमें निकालना है। एक लाइन लेना है, उसका डिस्टेंस लेना है 7 सेंटीमीटर और इस लाइन को यहाँ पर नाम देना है AC 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद दूसरी जो भुजा है, एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने विकर्ण निकाला है AC 7 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर राउंडर में, कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से, और ये पॉइंट पर इस राउंडर का, कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें एक ऐसा आर्क बनाना है इसी लाइन के ऊपर वाले भाग पर और नीचे वाले भाग पर। ऐसे हमने दो आर्क बनाए। कंपास में जो रेडियस हमने लिया है वो 4 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद कंपास राउंडर में जो डिस्टेंस है उसे चेंज नहीं करना है, यही डिस्टेंस से हमें इन आर्क पर दूसरा वाला आर्क निकालना है, वैसे ही नीचे वाले आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, वहां पर पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को डार्क करना है, ऊपर वाले पॉइंट को नाम देना है D और नीचे वाले पॉइंट को नाम देना है B। अब हमें A और B पॉइंट को लाइन से जोड़ना है। यहाँ पर आपको AB लाइन मिलेगा, उसके बाद B और C पॉइंट को जोड़ना है लाइन से, यहाँ BC लाइन मिल गया। उसके बाद CD लाइन को जोड़ना है के बाद DA पॉइंट को लाइन से जोड़ना है, DA लाइन आपको मिलेगा। इस प्रकार से ABCD समचतुर्भुज को हमने यहाँ पर बनाया है। हमारा ABCD यह समचतुर्भुज बन गया है। इस प्रकार से आज का यह क्वेश्चन बहुत आसान था। बच्चों, प्रैक्टिस करते समय आपको इस विकर्ण का जो डिस्टेंस है उसे चेंज करना है, 7 सेंटीमीटर की जगह पर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद जो हमने भुजा ली थी, कितनी ली थी, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना है, इसमें भी चेंजेस करना है और इस उदाहरण को, इस क्वेश्चन को बार बार छोड़ना है, बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। आज का वीडियो, आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।